साबरमती आश्रम पहुंच चुका है प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे का काफिला। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें 28 अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक झांकियों के दर्शन करने के बाद अब आखिरी पड़ाव जो साबरमती आश्रम था वहां पर जाकर ये रोड शो खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर एक बार फिर से आपको दे दें, मोदी और शिंजो आबे का रोड शो जो 8 किलोमीटर लंबा था वो रोड शो अब खत्म हो चुका है। साबरमती आश्रम इसका आखिरी पड़ाव था, वहां पर अब ये जाकर खत्म हो जाएगा। साबरमती आश्रम में ये दोनों ही नेता कुछ वक्त गुजारेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और जाहिर तौर पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए भी यह मौका बेहद खास। 8 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ तौर पर हम सब ने देखी, क्योंकि उनके लिए भी यह बिल्कुल एक अलग अनुभव, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने खुली जीप में सवार होकर 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। और यह देखिए साबरमती आश्रम के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आगे किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को और उन्हें कहा कि आप बैठ जाइए। और देखिए शिंजो आबे, उनके साथ उनकी पत्नी की भी मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी में, और जूते उतारते हुए दोनों और उसके बाद अंदर की ओर जाएंगे। शीला ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। शीला, आप यहां से आगे क्या होगा? अभी जैसे मयूर ने बताया कि सबसे पहले हृदय कुंज आता है, वहां जाएंगे जहां गांधी जी रहा करते थे जी, और पूरे आश्रम को मोदी स्वयं गाइड है, स्वयं गाइड है और बता भी रहे हैं। देखिए जी, उनको ना सिर्फ साबरमती आश्रम का महत्व या आश्रम में क्या क्या है वो बताएंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में वो अंदर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या खासियत है यहाँ? ये यहाँ पर गांधी जी रहते थे, ये हृदय कुटीर है। यहाँ पर आपको चरखा दिखेगा, एक तरफ चरखा रखा हुआ है, हाथ में मुझे लग रहा है ये माला है और महात्मा गांधी की तस्वीर को माला पहना रहा है, और ये कुछ ये सूती माला है। सूती की खादी जिससे सूत जो काती हुई है होती है। बिल्कुल, जो काती हुई खादी की सूत से ये इस माले को तैयार किया गया है। उस माले को सबसे पहले महात्मा गांधी की जो तस्वीर थी माल्यार्पण किया गया, और देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम शिंजो आबे उनके साथ है, और अंदर की ओर जाते हुए ये वरंडा है, वो हाँ। अंदर की कुटीर है, अंदर कुटीर जो है। उनका रूम था उसमें जा रहे हैं। साबरमती आश्रम के बारे में आपको जानकारी दे दें, साबरमती नदी के किनारे ही यह आश्रम है जहां पर पहुंचे हुए हैं जापान के पीएम शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और ये चरखा देखिए उसको दिखाते हुए, और शायद फोटो सेशन एक जो औपचारिकता होती है उसको निभाते हुए यहाँ पर ये गांधी जी का चरखा। बिल्कुल, जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से रखा है, कंजर्वेशन अच्छा हुआ है, पुताई हुई है कमरे में, लेकिन गांधी जी इतने ही सादे तरीके से तब भी इस कमरे में रहते थे, तो जिसमें तस्वीर लगाई गई है जिसमें और इसमें कुछ बता भी रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को चरखे के बारे में बता रहे हैं, चरखे के बारे में बता रहे हैं, और सूत जो वहां पे कात जो रखा गया है। हाँ, ये जो ताक होती है जिसमें सूत पिरो के बिल्कुल चरखा चलाया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के पीएम शिंजो आबे को जो सूत कात कर वहां पर रखा गया है धागे के रूप में उसको दिखाते हुए और बताते हुए कि ये जो चरखा आप देख रहे हैं इसी से इस सूत को निकाला, इस धागे को तैयार किया जाता है जिसके बाद कपड़े बनाए जाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे को। और फिर यहां से आगे की ओर बढ़ते हुए अब दूसरे हिस्से में जाएंगे। दूसरा हिस्सा आप कस्तूरबा का कमरा है जहाँ, और महादेव भाई देसाई का कमरा है। एक जो कॉर्नर है वहाँ पर तीन बंदर का प्रतीक है, मुझे लगता है कि दूसरे कमरे में नहीं जा रहे, सिर्फ यहाँ पर बैठकर साउंड विजुअल शो साबरमती आश्रम में दिखाया जाता है गांधी तो जी के बारे में। आएंगी वो तस्वीरें तो मुझे भी जब चीन के श्री जिनपिंग को लेकर भी यहाँ पर जब पहुंचे हुए थे, मुझे लगता है वैष्णव जन गाना शायद सुनाएंगे। अब वैष्णव जन गाना सुनाया जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी का बेहद प्रिय ये गाना, जिसको जिसकी जिसके लिए वहां पर बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं बैठी हुई हैं अपनी खास तैयारी करके। और ये आगे की ओर बढ़ते हुए और साबरमती आश्रम के दूसरे हिस्से में लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंजो आबे को, और वहां के बारे में खुद ही विस्तार से जानकारी वो खुद दे रहे हैं कि ये क्यों फेमस है, क्या खासियत है इसकी, और मैं आपको लेकर यहाँ पर क्यों आया हूँ, ये सारी बातें शायद उनको समझा रहे होंगे। शीला,
महात्मा गांधी अपने आप में जब हिंदुस्तान की बात आती है तो सिंबॉलिक है जी, और साबरमती अहमदाबाद में आते हैं और साबरमती आश्रम में ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। साबरमती तो आश्रम की कहानी भी लगातार नीचे हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर। 1915 से 1933 तक साबरमती आश्रम में ही रहे गांधी जी। आश्रम से ही गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था। साबरमती देखे बिना अहमदाबाद या गुजरात घूमना पूरा नहीं माना जाता है। अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे यह आश्रम बना हुआ है। महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कई यादें आश्रम में रखी हुई हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की रसोई आश्रम में बनी हुई है। 12 साल तक गांधी जी कस्तूरबा रसोई में, वहां पर उन्होंने अपना काफी ज्यादा वक्त गुजारा। और ये तस्वीर शीला आप कुछ बता रही हैं, गांधी जी का पुतला है वहां पर जी, और ओपन ऑडिटोरियम है पीछे की तरफ जहाँ बिल्कुल इसको सट के साबरमती नदी है, वहां पर अभी आए हैं और मुझे लगता है कि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और उनके साथ उनकी पत्नी एइको। भजन के बीच देखिए साबरमती आश्रम में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे। और अब साबरमती नदी जो है उसको दिखाते हुए नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं और विस्तार से पूरी जानकारी देते हुए कि हमने किस तरह से तैयार किया और कुछ और भी बताते हुए। ये चबूतरा है जहां कबूतरों को दाना डालते हैं, जिसकी महत्ता है बहुत सालों से, गांधी जी के समय से ये चबूतरा। और पीछे आप देख रहे हैं कि घाट बना है बिल्कुल जो सीधे नदी में जाता है और इसके पीछे और, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने कहा कबूतरों को यहाँ पर दाना दिया जाता है, लेकिन विस्तार से बड़ी देर तक उसके बारे में बताते हुए यहाँ पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और वहां पर रघुपति राघव राजा राम की धुन जो अपने आप में, क्योंकि मौसम भी वहां पर बेहद सुहावना है, और इस धुन के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को साबरमती आश्रम के एक एक कोने के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ दिखाकर उंगली उठाकर बताते हुए कि कहां पर कौन सी चीजें लगाई गई हैं। कंचनदा अगर आप इन तस्वीरों को देखकर अपनी कुछ टिप्पणी करें। देखिए अब तक जो रहा है कि कोई विदेश का कोई मेहमान आता है तो दिल्ली में पहले उतरता है, दिल्ली से अपनी विजिट शुरू होने के पहले राजघाट जाता है, वहां पर महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि देता है। लेकिन ये शायद एक नई परंपरा शुरू हो रही है कि गांधी जी की रेलिक्स या उनकी यादगार पूरे देश में फैली हुई हैं। और अब से अगर धीरे धीरे विदेशी नेता देश के विभिन्न जगह पर जाएं और वहाँ पर गांधी जी के जो मेमोरियल्स हैं उसमें विजिट करें तो उसका एक अलग पहचान बनता है और गांधी जी के लिए शायद ये सही भी है। बिल्कुल। लेकिन पहले भी यहाँ पर और भी देश के नेता आए थे, शायद शी जिनपिंग भी आए थे और गांधी जी का मैसेज शी जिनपिंग के पास किस तरीके कितना पहुँचा या नहीं
वो भी सोचने की बात है। शी जिनपिंग को तो झूले में भी बिठाकर दोनों का जो फोटो तो सेशन हुआ था वो भी बेहद खास तस्वीर। ये जो आप फर्नीचर देख पहले कंचनदा बोल रहे जी, तो ये जो है ये एक अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, विजिट का जो टोन है, टेनर है, उसको सेट करता है। लेकिन जो सब्सटेंटिव इश्यूज हैं, जो असल इश्यूज हैं, जो इसका इस विजिट की जो असली इश्यूज हैं, वो शायद अभी उस पर चर्चा करना सही नहीं होगा। लेकिन सामरिक एक इशू है, दूसरा है कि एक जो उभरता एक अलायंस बन रहा है एशिया पैसिफिक में, उसके बारे में भी सोचना, और तीसरा है कि भारत अब किस, अगर भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी की सोर्सिंग कहां से हो, केवल वेस्ट हो या जापान? ये तमाम बातें देखिए, कुछ देर वहां पर आराम करने के बाद अब ये लोग वहां से निकलते हुए एक सुकून भी मिलता है। अगर पीछे साबरमती नदी बह रही हो, साबरमती आश्रम में आप मौजूद हो, वहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, देखिए किस तरह की ग्रीनरी है वहां पर थोड़ी देर इन लोगों ने बैठकर आपस में बातचीत की और उसके बाद साबरमती आश्रम के दूसरे हिस्से में ले जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी। चित्रा, जो मैं तस्वीर में देख रही हूँ वो दो चीज आपको बताना चाहूंगी कि जिस कुर्सी पे बैठे थे वो खास गुजरात का जो संखेड़ा गांव है वहाँ फर्नीचर बनता है, वहाँ तैयार किया। तो जैसे उस कुर्सी को देखोगे तो आपके गुजरात की याद आएगी, जो बड़ी रंग बिरंगी होती है, जिसमें घंटड़िया साथ में घुंघरू लगे हुए होते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जो अकी आबे ने, शिंजो आबे की पत्नी ने जो कुर्ता पहना है वो गुजरात की बांधनी का कुर्ता है, सिल्की बांधनी का, ये भी गुजरात की देन है। जो बंद बांध के कच्छ के लोग जो कपड़ा तैयार करते हैं उससे ये सिल्क का कुर्ता तैयार हुआ। सिल्क का कुर्ता जो पहना हुआ है शिंजो आबे की पत्नी आइको ने, आपने कहा कि वो गुजराती सिल्क है जिससे उस कुर्ते को तैयार किया गया है। और विजिटर्स डायरी में इस वक्त अपनी बातों को लिखेंगे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे कि उन्हें कैसा लगा। प्रधानमंत्री मोदी देखिए उनके ठीक दाहिनी तरफ खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भी उनका अनुभव रहा होगा उसके बारे में उन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और अब अपनी पत्नी की तरफ देखा, अब बैठकर कुर्सी पर वो जो भी रिमार्क होगा, जो भी जैसा भी अनुभव उनका वहां का रहा, उसको विजिटर्स डायरी में लिखती हुई जापान की प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी एइको। ये जो कुर्ता आप देख पा रहे हैं गुलाबी मरून कलर में, सफेद रंग के उस पर डिजाइन बनी हुई है, शीला बता रही है कि वो गुजराती कुर्ता है, खास तौर से उनकी पत्नी के लिए ये गिफ्ट होगा हिंदुस्तान की ओर से। और ये देखिए गिफ्ट में ऐसा लग रहा है गांधी जी के तीन बंदर और उनके बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी। शीला, बिल्कुल ये बहुत सिंबॉलिक है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। और देखिए उसको दिखाने के बाद और मुस्कुराते हुए भी दोनों गांधी जी के ये तीन बंदर जो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देते हैं हम सभी को, न बुरा देखो, न बुरा बोलो और ना ही बुरा सुनो। उसके बाद अब दोनों ही मुल्कों के प्रधानमंत्री आगे की ओर बढ़ते हुए साबरमती आश्रम की ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो गया या अभी भी कोई हिस्सा है जहाँ पर इन लोगों का जाना? मयूर पारेख हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, ऐसा लग रहा है साबरमती आश्रम में जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया और यहाँ से निकलते हुए अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और उनकी पत्नी और प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए हाथ लाकर उनको कहा कि आप आगे जाइए, शाम को जाहिर तौर पर आगे के जितने भी प्रोग्राम हैं उनमें मुलाकात होनी है। आगे का क्या कार्यक्रम है मयूर अब यहाँ से? देखिए यहाँ से कुछ ही मिनटों के भीतर अब ये निकलने वाले हैं और ये जो मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ उसी सड़क से उनका काफिला जो है वो इस समय यहाँ से गुजरने वाला है। हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वैन्स जो है वो सिक्योरिटी वैन्स इस समय कतार में लग चुकी है और यहीं से अब उनका काफिला गुजरेगा। यहाँ से अब उनका कार्यक्रम है वो शाम का है, सिद्धि सैयद की जाली देखने के लिए शिंजो आबे जाने वाले हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गाइड बनने वाले हैं और सिद्धि सैयद की जो जाली है उसके बारे में उनको बताने वाले हैं। बात यह है कि जो सिद्धि सैयद की जाली है वो अपने आप में कई सारे संदेश देती है, वो एक उगता हुआ पेड़ है, वो एक आगे बढ़ने का संदेश है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो एक
1500 सदी में बना हुआ वो जो एक मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल कलाकृति है, उस हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कलाकृति को देखने के लिए जो वैश्विक लोग आते हैं, शिंजो एबे आने वाले हैं। इसके बिल्कुल नज़दीक में अगाशियेना नामक एक होटल है और इस होटल में बहुत ही अच्छी और उम्दा गुजराती व्यंजन जो है वो परोसे जाते हैं, तो उस गुजराती व्यंजन का स्वाद जो है वो शिंजो एबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उस होटल में लेने वाले हैं। कुल मिला के यहाँ से जो उनका कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, इस समय साबरमती आश्रम से और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला था वो वहां से निकलता हुआ, अब आगे के कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रहने हैं। भारत में शिंजो आबे का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो भी हम आपको एबीपी न्यूज की टीवी स्क्रीन पर लगातार नीचे दिखा रहे हैं। आपको बता दें साबरमती आश्रम से निकलकर 6:15 बजे का ये जो वक्त तय किया गया है, हालांकि लग रहा है इसके बाद हो सकता है वो पहले होटल जाएं और उसके बाद वहां पर जाएं। 6:15 बजे मोदी और आबे शहर के लाल दरवाजा इलाके में स्थित सीधी सैयद मस्जिद जाएंगे। ये मस्जिद विश्व में अपने पत्थरों के जाली के काम के लिए जानी जाती है और इस जाली को गुजरात के सरकारी प्रतीक चिन्हों में शामिल किया गया है। उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के अपने दोस्त और खासतौर से विशेष मेहमान जिनको उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है अहमदाबाद में शिंजो आबे को। ये काफिला गुजरता हुआ साबरमती आश्रम के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मयूर परेख हमारे साथ लगातार बने हुए। मयूर, अब आगे का क्या कार्यक्रम है इन दोनों का ही? देखिए इस समय यहाँ से जो हम इस समय दृश्यों में देख पा रहे हैं, पूरी की पूरी कॉन्वॉय जो है वो कॉन्वॉय इस समय यहाँ से गुजर रही है। सबसे पहले जो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जापान के शिंजो एबे, उनकी पूरी की पूरी कॉन्वॉय चली गई और उसके ठीक पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्वॉय जो है वो यहाँ से गुजर चुकी है। कुल मिला के जो VIP का काफिला है वो अब यहाँ से यानी कि साबरमती आश्रम से अब इस समय आगे बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से सीधी सैयद की जो जाली है वहाँ पे जाने का कार्यक्रम जो है वो बनाया हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी जो है वो साबरमती आश्रम से अब इस समय जो है वो बाहर निकल रही है और भारत मतलब पहला जो कॉन्वॉय पूरा का पूरा गया, सिक्योरिटी का कॉन्वॉय, लोगों का कॉन्वॉय जो था वो जापान के प्रधानमंत्री का था और अब जो इस समय यहाँ पे हमें कॉन्वॉय जाता हुआ दिख रहा है, गुजरता हुआ साबरमती आश्रम के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।